व्हाट एन एपिक जर्नी, द मोस्ट अवेटेड जर्नी ऑफ मुनव्वर फारूकी. हमने वो जर्नी देखी. ये जर्नी इमोशनल बहुत ज्यादा थी. इस जर्नी में इमोशंस बहुत ज्यादा थे, इस जर्नी में दुख बहुत ज्यादा थे. और वो दुख का रीजन तो भाई मेकर्स आप ही थे ना, आप ही लेकर आए थे. अब इस जर्नी में मुनव्वर फारूकी का राइज भी दिखाया और वो पार्ट भी दिखाया जहां पे मुनव्वर फारूकी जो है ना वो कुछ टाइम के लिए जो है ना वो लो हो गया था. अब लो होने का रीजन भी हम सबको पता है. इस जर्नी में मुनव्वर फारूकी ने जो टनल से लोगों को भेजा था वो भी दिखाया. इस जर्नी में मुनव्वर फारूकी ने जिन जिन से जो जो कमिटमेंट पूरे किए वो भी दिखाया. और इस जर्नी में मुनव्वर फारूकी ने अनुराग भैया को कैसे जो है कौवा बना के उड़ाया वो भी दिखाया. बड़ा ही जबरदस्त जो है हमने इस जर्नी में कॉम्बिनेशन देखा, दोस्ती का और दुश्मनी का, राइवलरी का, और इसमें जो है मुनव्वर फारूकी पे जो एलिगेशन लगाए उसका बहुत कुछ देखा. और इस जर्नी में आपने एक चीज देखी होगी कि जो आयशा का पार्ट है वो थोड़ा मुझे लगा ज्यादा हो गया है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि आयशा वाला पार्ट जो इतना लंबा स्ट्रेच करना चाहिए था. इट वॉज नॉट नीडेड. इतनी फुटेज उसको मिलनी नहीं चाहिए थी मेरे हिसाब से. बहुत ज्यादा मिल गई उसे, इतनी नहीं मिलनी चाहिए थी. लेकिन क्या है ना भाई, मुनव्वर फारूकी का नाम यूज करने आए थे, मुनव्वर फारूकी के नाम से फेम हासिल करने आए थे, तो मिल गया फेम. हो गई आप किसी की जर्नी का पार्ट. एनीवेज, मेरा फोकस तो मुनव्वर फारूकी पे था कि जिस तरह मुनव्वर फारूकी ने हर टास्क में एक्सेल परफॉर्मेंस दी, मुनव्वर फारूकी ने किस तरह से जो है अपने दोस्तों के बैक पे खड़ा रहा. मुनव्वर फारूकी का अभिषेक के साथ जो मुनाभी फ्रेंड्स है उन्होंने जितना मिस किया, मुनाभी फ्रेंड्स ने इसको मिस किया था कि वो अभिषेक के उसमें हमें नजर नहीं आया, वो मुनव्वर फारूकी के उसमें हमें कहीं ना कहीं वो नजर आया. अच्छा, मनारा चोपड़ा वाला पार्ट मुनव्वर फारूकी के उसमें थोड़ा कम था, थोड़ा कम था. दूसरी बात ये कि इस जर्नी में सारे घर के कंटेस्टेंट्स जो है मुनव्वर फारूकी के गेम के ऊपर क्वेश्चन उठाए थे कि क्या गेम है, क्या गेम है ये जर्नी, बताएगी कि क्या गेम था उस बंदे का. बेसिकली ये जर्नी जो है ना, ये पूरी जो जर्नी थी इसमें समअप था पेशेंस, टॉलरेंस. किस तरह उसने पेशेंस जो है रखा, किस तरह उसने टॉलरेंस रखी, किस तरह उसने कूल माइंडेड होके जो है ना चीजों को हैंडल किया, किस तरह उसने अपनी गलती अगर थी तो एक्सेप्ट कर लिया, किस तरह उसने ये मिसाल आप लोगों को दी है कि जब तूफान आता है तो दरख्त झुक जाते हैं, जब तूफान गुजर जाता है तो दरख्त खड़े हो जाते हैं. ये नेचर में आपको ये जो है ना एग्जाम्पल मिलेगी. जो मुनव्वर फारूकी की आपने हमने एग्जाम्पल देखी, मुनव्वर फारूकी के लिए बिग बॉस ने भी शायरी की और साथ में मुनव्वर का मुनव्वर मुस्कुराहट एंड नज़म और डब्ल्यू जो था ना वॉरियर. यस, मुनव्वर फारूकी इज द वॉरियर एंड ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ ऑन दिस बिग बॉस 17 जर्नी. पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस गाय यू नो लाइक हैज मेड एन हिस्ट्री. कि किस तरह से ये बंदा इतनी बड़ी बात आने के बावजूद भी टूटा नहीं. अगर मुझसे अग्री करते हो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना. थैंक यू सो मच. बाय बाय.